साल 2020 का 21 जून कई मायने में अहम था। जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण के चलते आधे से ज्यादा धरातल पर अंधेरा था, तो वहीं यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है। इस ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ साथ छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी यह दिन खास था। इस साल के योग दिवस के आयोजन के लिए लेह को चयनित किया गया था, परंतु कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। साल 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग निर्धारित थी। वैश्विक स्तर पर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की पहल पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सम्मेलन में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संदर्भ में खास बात यह रही कि पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को तकरीबन 90 दिनों के भीतर ही पारित कर दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। इस पहल के अंतर्गत पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। आपको बता दें कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन होता है। साल 2019 में आयुष मंत्रालय ने अपने कॉमन योग प्रोटोकॉल में नियम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, ध्यान, मंत्र जाप जैसे योग साधनों को सूचीबद्ध किया। आयुष प्रोटोकॉल योग दिवस को फोल्डिंग हैंड लोगों के साथ वर्णित करता है। हाथों की यह मुद्रा सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन, मन व शरीर, मनुष्य व प्रकृति के बीच एक परिपूर्ण सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस लोगो में प्रयोग किया गया भूरे रंग का पत्ता पृथ्वी तत्व, हरा पत्ता अग्नि तत्व और नीला रंग सूर्य की ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत को व्यक्त करता है। योग के जरिए जीवन को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाया जाता है। कोविड-19 महामारी में अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसी योग पद्धतियों के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि करें योग, रहें निरोग।